स्टूडेंट दिस इज पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट मीडिएशन काउंसलेशन एंड आर्बिट्रेशन अंडर विच वी आर स्टडिंग काउंसलेशन प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसलेशन तो आपने काउंसलेशन uh, को यहाँ पे आपने पढ़ा काउंसलेटर uh, कौन होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है उसका प्रोसेस कैसे चलता है सारा आपने यहाँ पे देखा देखिए मैंने आपको पहले बताया ये सारे अल्टरनेट वे हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के जिसमें आर्बिट्रेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं अब आप काउंसिलेशन वहाँ पे पढ़ रहे हैं काउंसिलेटर जो है ये भी पार्टीज़ के थ्रू जो पार्टीज डिस्प्यूट में होती हैं वही पार्टी जो है काउंसिलेटर को अपॉइंट करती हैं काउंसिलेटर दोनों पार्टीज़ को सुनता है उनको हेयर करता है आफ्टर हेयरिंग बोथ पार्टी ही गिव्स हिज एडवाइस वो अपनी एडवाइस वहाँ पर देता है और अगर दोनों पार्टीज जो हैं उसकी एडवाइस से सहमत हो जाती हैं इफ़ दे गिव कंसेंट टू हिज़ एडवाइज़ वहाँ पर जो है फिर uh, एक सेटलमेंट अवॉर्ड जो है दे दिया जाता है तो ऐसे आपने काउंसलेशन को समझा काउंसलेशन की प्रोसीडिंग को भी आपने देखा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्विटेशन सेंड करती है uh, दूसरी पार्टी इन्विटेशन को अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ पर फिर प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट uh, हो जाती है और वहाँ पर एक काउंसिलेटर की अपॉइंटमेंट वहाँ पर की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे है अब ये है आपके पास काउंसलेटर uh, जो प्रोसीडिंग है कैन बी सेट टू बैव टर्मिनेट ये किस कंडीशन में टर्मिनेट हो जाती है ख़त्म हो जाती है जैसे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी आपने देखा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी खत्म हो जाती है कई बार जब वहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाता है या बोथ पार्टी की कंसेंट से या फिर एग्रीमेंट से जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी ख़त्म हो सकती है वैसे ही काउंसिलेशन प्रोसीडिंग को भी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसको ख़त्म किया जा सकता है तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से एक काउंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट हो सकती है वेदर द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन रिजोर्ट टू arbitration और जुडिशियल प्रोसीडिंग while काउंसिलेशन प्रोसीडिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो एक काउंसिलेशन प्रोसीडिंग में अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करा रहे हैं ड्यूरिंग दैट इफ़ कैन दे गो टू द आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या वो आर्बिडिशियल प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं इसको भी हम यहाँ पर uh, देखेंगे तो सेक्शन सेवेंटी सिक्स जो है ऑफ़ द आर्बिट्रेशन काउंसलेशन एक्ट नाइनटीन नाइन्टी सिक्स जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग की मीन्स की जब एक काउंसिलेशन uh, प्रोसीडिंग चल रही है दो पार्टीज जो ने टू uh, पार्टीज़ uh, ने अपने किसी डिस्प्यूट को रेफर किया है काउंसिलेटर को काउंसिलेटर को अपॉइंट वहाँ पे किया है काउंसिलेटर प्रोसीडिंग वहाँ पे चली है और ड्यूरिंग द काउंसिलेटर प्रोसीडिंग अगर आ, वो अगर उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं ये यहाँ पे बताई हुई है फर्स्ट एक ऑब्वियस सिचुएशन होती है ऑन काउंसिलेशन एग्रीमेंट अगर दोनों पार्टीज के बीच में एक काउंसिलेशन एग्रीमेंट बन जाता है मीन्स दोनों पार्टीज़ अपने डिस्प्यूट्स को रेफर कर रही है काउंसिलेटर को काउंसिलेटर दोनों पार्टीज को हेयर करता है उनको सुनता है उसके बाद अपनी एडवाइस जो है सुटेबल एडवाइस विदाउट एनी बायस वो अपनी एडवाइस वहाँ पे देता है और उस उसकी एडवाइस को दोनों पार्टी जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं और उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करने के बाद एक काउंसिलेटर एग्रीमेंट वहाँ पे बनाया जाता है और अगर वो एग्रीमेंट बन जाता है तो यहाँ पे प्रोसीडिंग ऑल ऑलरेडी ऑब्वियसली uh, यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है खत्म हो जाएगी क्योंकि उनके बीच में जो इशू थे उनको अब दोनों की सहमति से सुलझा लिया गया है सेक्शन सेवेंटी सिक्स एज प्रोवाइड्स एट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड इफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट रीच एट एनी पीसफुल सोल्यूशन तो किसी पीसफुल सोल्यूशन पर भी पहुंच जाते हैव कंसेंट फॉर द सेटलमेंट एग्रीमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट पे अपनी कंसेंट बन जाती है तो सेटलमेंट एग्रीमेंट देखिए आर्बिट यहाँ पे एक फर्क जो है एक डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेशन और काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा आर्बिट्रेशन में जब दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है तो उसको बोलते हैं हम आर्बिटर अवॉर्ड और यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जब अपनी एडवाइस देता है दोनों पार्टीज उसकी एडवाइस को सुन लेती हैं और सहमत हो जाती है उसके एडवाइस से और वहाँ पे कोई ना कोई सेटलमेंट उनके बीच में हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट और साइन अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है इट मीन्स वहाँ पर उस डिस्प्यूट दिस, को जो है सुलझा लिया गया है रिजॉल्व uh, उसको करवा लिया गया है इन सच मैटर द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट ऑन द डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट जिस दिन उस सेटलमेंट एग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन हो जाएंगे उस दिन से ये प्रोसीडिंग जो है खत्म हो जाएगी इट्स रीजन इज क्लियर दैट द पर्पस ऑफ विच द कांस्टिलेशन प्रोसीडिंग जो पर्पस था उस काउंसिलेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने का वो पर्पस जब अचीव हो गया है देन इट इज नेचुरल द कांस्ट प्रोसीडिंग शैल टर्मिनेट तो ये एक सी बात है एक नेचुरल है कि वो टर्मिनेशन हो जाएगी उस प्रोसीडिंग तो काउंसिलेशन एग्रीमेंट जैसे ही बन जाएगा या फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट जैसे ही बन जाएगा प्रोसीडिंग जो है खत्म हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी सेकेंड आपके पास यहाँ पे ऑन फेलियर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द काउंसिलेशन काउंसिलेशन प्रोसीडिंग में काउंसिलेटर के जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं मीन्स की उसकी एडवाइस को जो है एक पार्टी तो मानती है दूसरी पार्टी नहीं मानती है दोनों ही पार्टी उसके एडवाइस से जो है सहमत नहीं होते हैं तो जो काउंसिलेटर के एफर्ट जो है वो फेल कर जाते हैं इस कंडीशन में तो हम बोलेंगे कि प्रोसीडिंग जो है खत्म हो जाएगी सेक्शन सेवेंटी सिक्स बी प्रोवाइड एट द आफ्टर द डिस्कशन विद द पार्टीज काउंसिलेटर रीचेज एट द कंक्लूजन दैट नाउ दोनों पार्टीज़ के साथ डिस्कशन करने के बाद दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उनको एडवाइस देने के बाद भी अगर काउंसिलेटर को ये लगता है दर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ काउंसिलेशन बिटवीन द पार्टीज़ कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है कि काउंस की पार्टीज़ के बीच में कोई काउंसिलेशन कोई समझौता वहाँ पर हो सके इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मेक एफर्ट फॉर द काउंसिलेशन अब ये किसी कोई फ़ायदा नहीं है कि अब काउंसिलेशन के कोई एफर्ट्स किए जाएँ दर इज नो ऑब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं रहा है उस काउंसिलेशन प्रोसीडिंग का दैन काउंसिलेटर शैल डिक्लेयर द टर्मिनेशन ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग एंड विद सच डिक्लेशन द प्रोसीडिंग शैल डिटर्मिनेट तो इस सभी सिचुएशन के बाद जब एक काउंसिलेटर जो है अपनी उस काउंसलेशन प्रोसीडिंग को जो है टर्मिनेट करने की को जो है डिक्लेयर वहाँ पर कर देता है और इस तरीके से प्रोसीडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो एक तो आपने देखा कि एक सेटलमेंट एग्रीमेंट अगर दोनों के बीच में बन जाए तो ऑब्वियस यह है यहाँ पे एक काउंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी दूसरा काउंसिलेश काउंसिलेटर ने जो है इस काउंसिलेशन के अंडर अपने सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं लेकिन वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कोई यूज़ नहीं रहा है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है जिसकी वजह से काउंसिलेशन की जाए तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये काउंसिलेशन प्रोसिलेशन प्रोसीडिंग जो है इसको टर्मिनेट जो है कर दिया जाए तीसरा है यहाँ पे ऑन द वील ऑफ द पार्टी सेक्शन 76 सिक्स सी प्रोवाइड करता है कि काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेट इफ़ द पार्टी टू द डिस्प्यूट एक्सप्रेस देयर विल टू टर्मिनेट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग टू द काउंसिलेटर तो यहाँ पे सेक्शन 76 सिक्स क्लास सी में ये बोला गया कि काउंसिलेटर प्रोसीडिंग चल रही है और उसके दौरान अगर कोई भी वन पार्टी एक्सप्रेस देयर विल टू टर्मिनेट दस काउंसिलेशन प्रोसीडिंग वो चाहता है वो अपनी इच्छा यहाँ पे जाहिर करता है कि इस काउंसिलेशन प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दिया जाए तो इट मीन्स दैट द पार्टीज और डिस्प्यूट कैन रिक्वायर द काउंसिलेटर बाय एक्सप्रेसिंग देर डिज़ायर टू टर्मिनेट द काउंसिलेटर तो उनमें से कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी अपनी इच्छा से इस कांस्टिलोशन प्रोसीडिंग को खत्म करना चाहते हैं तो उसके बाद द काउंसिलेटर मे टर्मिनेट द ऑल द प्रोसीडिंग्स तो पार्टीज की विल के साथ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन uh, प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जाता है ऑन द नोटिस ऑफ वन पार्टी एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व कर देती है कि ही इज़ नॉट विलिंग टू रेफर हिज केस टू द काउंसिलेटर प्रोसीडिंग टू कंटिन्यू हिज केस टू द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग तो उस कंडीशन में भी जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग uh, जो है ख़त्म कर दी जाती है सेक्शन सेवेंटी सिक्स डी द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शेल बी टर्मिनेटेड बाय अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड द काउंसिलेटर तो यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करती है और काउंसिलेटर को भी नोटिस सर्व करती है दैट ही इज नॉट विनिंग टू कंटिन्यू हिस्स प्रोसीडिंग थ्रू काउंसिलेशन प्रोसीडिंग तो उस कंडीशन में फिर जो है काउंसिलेटर यहाँ पे उस प्रोसीडिंग को जो है टर्मिनेट वहां पे कर देता है All in all the above four situation the द proceeding could be terminated in all these situation termination of ऑफ proceeding shall be considered from the date of a declaration तो इन सभी सिचुएशन जो आपने ऊपर पढ़ी इन सभी सिचुएशन में जब काउंसिलेटर जो है डिक्लेरेशन दे देता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेंगी तो जिस डेट को वो डिक्लेयर करता है उसी दिन से ये कांस्टिट्यूशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट जो है माना जाता है तो ये आपके पास सिचुएशन है इस कंडीशन में जो है काउंसलेशन uh, प्रोसीडिंग को खत्म किया जा सकता है अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि क्या सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन और द जुडिशल प्रोसीडिंग जब आपकी प्रोसीडिंग जो है uh, एक काउंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है चल रही है इन बिटवीन क्या आप अपनी उस डिस्प्यूट uh, को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में या जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेके जा सकते हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नो no में है द जनरल रूल इज दैट वेन द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन फॉर द डिपोजेशन ऑफ द डिस्प्यूट सच अ डिस्प्यूट कैनॉट बी सबमिटेड टू द आर्बिट्री प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग तो जब आपकी काउंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है दैट सिचुएशन यू कॉन्ट रेफर यू डिस्प्यूट टू द आर्बिट्री प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग इट मींस दैट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग कैनॉट बी कंटिन्यू अलॉन्ग विद द आर्बिट्री प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर द सेटलमेंट द डिस्प्यूट तो कॉन्स्टिशल uh, प्रोसीडिंग के साथ साथ आप जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग वहाँ पे नहीं चला सकते हैं लेकिन सेक्शन सेवेंटी सेवन एक एक जनरल एक्सेप्शन यहाँ पे बताता है उन्होंने यहाँ पे यह लिखा है कि कोई भी uh, जो है प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट नहीं की जा सकती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशल प्रोसीडिंग कर रहे हो ना तो आप आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है चला सकते हैं ना जुडिशियल प्रोसीडिंग चला सकते हैं लेकिन यहाँ पे ये यह बोला गया है कि अगर आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग आप चला सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट द पार्टीज कैन सबमिट डिस्प्यूट एट एनी टाइम फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर प्रिजर्विंग देयर राइट अगर उसके राइट की बात आ जाती है उसके राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट वहाँ पे उस काउंसिलेशन प्रोसीडिंग में आ जाता है उसके राइट की प्रिजर्वेशन के लिए अपने राइट को सुरक्षित रखने के लिए वो ड्यूरिंग द काउंसल्यूश प्रोसीडिंग भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में जा सकता है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तो जनरल केसेस में जब काउंसिलेश प्रोसीडिंग चल रही होती है तो आप जो है आर्बिट्रल uh, प्रोसीडिंग या फिर काउंसिलेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन व्हेन द मैटर्स कम्स रिलेटेड टू द प्रजर्वेशन ऑफ द राइट्स उस कंडीशन में जो है ऐसा किया जा सकता है आ, साथ में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटलमेंट अवार्ड तो सी बात है ये मैंने आपको पहले बताया काउंसिलेशन प्रोसीडिंग के अंडर जब काउंसिलेटर जो है दोनों पार्टीज को एडवाइस देता है आफ्टर हेरिंग बोथ द पार्टीज बोथ पार्टी जो है उसकी एडवाइस को मान लेते हैं तो वहाँ पर एक काउंसिलेशन एग्रीमेंट रेडी किया जाता है और दो जब दोनों पार्टीज के वहाँ पे साइन हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि डिस्प्यूट जो है दोनों के दोनों का जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है समझौते के साथ और उसी को हम सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं जैसे आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया गया अवार्ड जो है आर्बिटर अवार्ड बोला जाता है काउंसिलेटर के द्वारा दिया हुआ यहाँ पे डिसीजन जो कि विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होता है उसको हम यहाँ पे सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है बोलते हैं सेटलमेंट इज़ द कंसिक्वेंसिस सक्सेसफुल काउंसिलेशन प्रोसीडिंग तो एक काउंसलेशन uh, प्रोसीडिंग जब सक्सेस हो जाती है तो उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं अ डॉक्यूमेंट इज द कंसेंट और कंडीशन ऑफ सल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट और एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जहाँ पे सल्यूशन जो है निकाल दिया जाता है कंडीशन वहाँ पर बना ली जाती है ड्यूरिंग द कांसिल्यूशन प्रोसीडिंग वन बोथ द पार्टीज एग्रीड फॉर द सेटलमेंट दैन एंड पार्टीज इज मेड रिगार्डिंग द कंडीशन एग्री टू एंड इट इज कॉल्ड द सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्यूरिंग द कॉन्सिल्यूशन प्रोसीडिंग जब दोनों पार्टीज जो हैं सेटलमेंट की ओर बढ़ जाती हैं दोनों सेटलमेंट का एग्रीमेंट बना लेती हैं उसी को हम सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बोलते हैं इसको बनाता कौन है काउंसिलटर बनाता है दोनों पार्टी के साइन वहाँ पे करवाता है खुद अपने साइन भी वहाँ पे करता है और इस तरीके से एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बन जाता है तो उसी सेटलमेंट एग्रीमेंट की वहाँ पर यहाँ पे की जा रही है तो जैसे आर्बिट्रल अवार्ड जो है एक बार दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो आर्बिटर अवार्ड जो आर्बिटर दे देता है तो वो दोनों पार्टीज़ पे बाउंड होता है इसी तरीके से जब दोनों पार्टीज़ जो है यहाँ पे सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लेती हैं और साइन वहाँ पे कर देती हैं तो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट भी दोनों पार्टीज़ के लिए क्या होता है बाउंड हो जाता है उनको ये फॉलो करना ही पड़ता है और ये भी एक सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह बन जाता है जैसे कि आपने, आपने आर्बिट्रेशन में पढ़ा था वहाँ पर वो भी एक सिविल डिग्री की तरह मान लिया जाता है सेक्शन सेवेंटी थ्री ऑफ द आर्बिटेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट नाइनटीन सिक्स ले डाउन द प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट एग्रीमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट के प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं सेक्शन सेवेंटी थ्री क्लाज वन से इज दट इट अपेयर टू द काउंसिलेटर दैट दिस एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज जो भी यहाँ पे मुद्दे हैं इस काउंसिलेश इस डिस्प्यूट के अंडर दोनों पार्टीज उसमें सेटलमेंट के लिए तैयार हैं he shall formulate a term of the possible settlement and submit them to the और वो वहाँ पे क्या करेगा एक settlement आ, वहाँ पे document बनाएगा और दोनों parties को वहाँ पे वो उसको submit करेगा after इधर uh, receiving the observation उस document को पढ़ने के बाद agreement document को पढ़ने उस आ, काउंसिलेशन एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद जो है दोनों पार्टीज़ द काउंसिलेशन मेड फार्मुलेट द टर्म ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट ऑफ द राइट और सच ऑब्जर्वेशन उसके बाद इफ़ द पार्टीज रीच एग्रीमेंट ऑफ अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट दे मेड ड्रा ऑफ द साइन ऑफ द रिटर्न सेटल एग्रीमेंट अगर दोनों को वो ड्राफ्ट पसंद आता है दोनों को वो ड्राफ्ट जो है ठीक लगता है उनके अपने अपने राइट्स वहाँ पर प्रिजर्व हो रहे हैं तो वो उस रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट जो होता है जो कि काउंसिलर ने रेडी किया होता है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उनके एडवाइस देने के बाद तो फिर वो उस पर अपने साइन कर देते हैं इफ़ दर रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज द काउंसलर मे ड्रॉ अप द असिस्ट पार्टी इन ड्रॉइंग अप द सेटलमेंट अवार्ड तो हेल्प जो है दोनों पार्टीज की वो वहाँ पर ले सकता है वैन द पार्टीज साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ए पर्सन क्लेमिंग अंडर द रिस्पेक्टिवली तो देखिए सेक्शन सेवेंटी थ्री क्लास थ्री में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जब दोनों पार्टीज जो हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर देती है इट शेल बी फाइनल ये फाइनल माना जाता है बाइंडिंग ऑन द पार्टीज माना जाता है सेक्शन सेवेंटी थ्री क्लास थ्री में बोला गया है द काउंसिलेटर शेल्ड ऑथेंटिकेट द सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड फर्निचर कॉपी ऑफ दूच ऑफ दार्टी काउंसिलेटर भी यहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट करता है मीन्स वहाँ पे अपने साइन करता है और सेटलमेंट एग्रीमेंट की कॉपीज जो है दो, दोनों पार्टीज को वहां पे देता है सेक्शन सेवेंटी थ्री क्लास फोर में बोला गया है यहाँ पे आगे देखिए सेक्शन सेवेंटी फोर एक्ट प्रोवाइड द स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट स्टेटस क्या होगा देखिए यहाँ पे द सेटलमेंट एग्रीमेंट शेल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट एज इफ इट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड तो जैसे ही सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टी साइन वहाँ पे हो जाते हैं काउंसलेटर उसको ऑथेंटिकेट वहाँ पे कर देता है दोनों पार्टीज के साइन वहाँ पे हो जाते हैं तो ये ऐसा माना जाता है जैसे कि ये एक आर्बिट्रल अवार्ड हो ऑन एवरी टर्म ऑन साउस रैंड एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेक्शन थ्री तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंडर जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है उसी तरीके से इसको माना जाता है सिंस द आर्बिटरल अवार्ड इज इक्वल टू द आर्बिटर अवार्ड जो इक्वल टू द डिक्री ऑफ द कोर्ट तो जैसे एक आर्बिटरल अवार्ड जो है एक डिक्री की तरह माना जाता है वैसे ही सेटलमेंट एग्रीमेंट भी सेक्शन 74 के अंडर एक डिक्री ऑफ द कोर्ट की तरह ही माना जाता है मान लीजिए ये डिक्री जो है कोर्ट ने ही दी हो ऐसा ये माना जाता है तो ये है आपके पास काउंसिलेशन प्रोसीडिंग की टर्मिनेशन कैसे होती है और जो एक सेटलमेंट अवार्ड uh, यहाँ पे होता है सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बनता है थ्रू काउंसिलेशन प्रोसीडिंग उसका स्टेटस क्या है ये भी आपने देख लिया स्टेटस उसका वैसा ही है जैसे एक आर्बिट्रल अवार्ड का होता है और उसको भी ऐसे ही प्रज्यूम किया जाता है जैसे कि ये ए, कोर्ट की डिक्री हो कोर्ट का ऑर्डर हो कोर्ट की जजमेंट हो थैंक यू सो मच